हेलो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक है। आज मैं बनाने जा रही हूँ साबुदाना खिचड़ी। तो आइए प्रोसेस शुरू करते हैं। अब मैं फ्राइंग पैन को गर्म होने के बाद इसमें 5 टेबल स्पून ऑयल डाल के, गर्म होने के बाद इसमें 1/2 स्पून होल जीरा एंड कुछ करी पत्ता डाल के अच्छे से स्टिर कर रही हूँ। अभी ये ऑयल में मैं बारीक कटा हुआ कैरेट, बीन्स और ग्रीन चिली डाल के कुछ देर के लिए स्टिर करने के बाद कुछ मिनट के लिए पकाऊंगी, जब तक ना ये सब्जी हाफ कुक हो जाए। अभी ये सब्जी में मैं नमक स्वाद अनुसार डालने के बाद होल नाइट भिगो के रखा हुआ बिग साइज साबुदाना डाल के अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। अभी मैं इसमें व्हाइट पेपर पाउडर और थोड़ा सा नमक और रोस्टेड पीनट पाउडर डाल के अच्छे से मिक्स करके और कुछ देर के लिए पका रही हूँ। फ्रेंड्स, ये बहुत ही टेस्टी एंड हेल्दी रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। तो अभी मैं गैस ऑफ कर रही हूँ, मेरा ये साबुदाना खिचड़ी बिल्कुल रेडी है। और गैस ऑफ होने के बाद मैंने एक बाउल में ले लिया ये सारा खिचड़ी और उसके ऊपर से मैंने कटा हुआ धनिया छिड़क दिया और अब मैं सर्व करने जा रही हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।